Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of operations research. In today's lecture, we will discuss upon further numerical on expected monetary value, that is EMV. The question is as follows. A small industry from the past data has found that the cost of making an item is rupees 25. The item's selling price is rupees 30. It is sold within a week. It can also be disposed of at rupees 20 per item at the end of the week. यहाँ आपको weekly sales और number of weeks defined है. Weekly sales है 40, 50, 60 और 70 की और उसके corresponding number of weeks है आपके पास 10, 20, 40 and 30 respectively. Find the optimum number of items per week the industry should produce. तो ये आपके सामने problem दे रखी है एक company के reference में, एक small industry के reference में, जिसमें उसने पास्ट डेटा से ये फाउंड आउट किया है कि उसकी जो एक कॉस्ट है आइटम को प्रोड्यूस करने की वो रुपीज़ 25 है और सेलिंग प्राइस है उसका रुपीज़ 30. यदि वो उसको एक हफ्ते के अंदर सेल कर देती है और अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो वो डिस्पोज ऑफ कर देती है उसको और उसकी बदले में इसको रुपीज़ 20 पर आइटम मिलते हैं. ठीक है, यहाँ वीकली सेल्स और नंबर ऑफ वीक्स के रिगार्डिंग डेटा आपको दे रखा है. आपको ये बताना है कि कंपनी को हर वीक कितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके. दैट इज क्लियर. तो यहाँ हम देखेंगे पहले कि कंडीशनल प्रॉफिट कितना है और उस कंडीशनल प्रॉफिट के लिए पहले हमें मार्जिनल प्रॉफिट और मार्जिनल लॉस को डिटरमाइन करना पड़ेगा. तो हम निकालेंगे यहाँ पर मार्जिनल प्रॉफिट. एंड मार्जिनल प्रॉफिट कितना होगा आपके पास, फॉर्मूला क्या है इसका, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेल प्राइस दे रखा है आपको रुपीज़ 30 और कॉस्ट प्राइस दे रखा है रुपीज़ 25, तो हो गया ये रुपीज़ फाइव और ये हो गया पर यूनिट या पर आइटम. ठीक है, अब निकालना है मुझे मार्जिनल लॉस. ये कितना जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. कितने में डिस्पोज ऑफ कर रहा है, इसे कॉस्ट कितने की पड़ रही है, इसे पड़ रही है ये 25 की और डिस्पोज ऑफ कर रहा है कितने में, 20 में. तो 25 माइनस 5 यानी कि रुपीज़ 5 पर यूनिट. तो 5 का ही प्रॉफिट है तो 5 का ही लॉस है. तो इसके बेसिस पर हम निकालेंगे कंडीशनल प्रॉफिट. क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, मार्जिनल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. तो ये आएगा 5 इंटू यूनिट्स सोल्ड और मार्जिन लॉस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स नॉट सोल्ड, यानी कि मार्जिन लॉस है 5, तो 5 इंटू यूनिट्स नॉट सोल्ड. दैट इज क्लियर. ये तो हमारा आ गया कंडीशनल प्रॉफिट. अब मुझे डिटरमाइन करनी है यहाँ पर प्रॉबर्टी, क्योंकि प्रॉबर्टी नहीं दे रखी है आपको, आपको उसके रेफरेंस में नंबर ऑफ वीक्स दे रखे हैं. तो इन नंबर ऑफ वीक्स को मैं कन्वर्ट करूंगा प्रॉबर्टी में. ठीक है, तो नंबर ऑफ वीक्स नोट कर लेते हैं पहले. तो नंबर ऑफ वीक्स कितने दे रखे आपको, 10, 20, 40 और 30. इसका टोटल देख लेते कितना है. तो टोटल आएगा इसका 40, 30, 70 और 20, 90 और 100. 100 वीक्स का ये डेटा दे रखा है आपको. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे इसके रेफरेंस में. तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करूँगा मैं, 10 अपॉन 100, 20 अपॉन 100, 40 अपॉन 100 एंड 30 अपॉन 100. ठीक है, डिवाइड कर दीजिए और ऑप्टेन कर लीजिए प्रोबेबिलिटी. 10 अपॉन 100 कितना आएगा ये 0.1, 20 अपॉन 100 0.2, 40 अपॉन 100 0.4, 30 अपॉन 100 दैट इज 0.3. इसका टोटल देख लीजिए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 1.0 हो गए. इसका मतलब दिस इज द राइट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड बाय अस. नाउ कम टू द टेबल. अब मुझे क्या करना है, टेबल तैयार करनी है और उस टेबल के मीडियम से हमें कंडीशनल प्रॉफिट और फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हुए हर पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के रेफरेंस में एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को डिटरमाइन करूँगा. ठीक है, तो यहाँ आपको ये पर्टिकुलर टेबल डिजाइन कर रखी है मैंने पहले से ही. यहाँ मैंने स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करा है 40, 50, 60, 70. यहाँ कंडीशनल प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस 40, 50, 60 एंड 70. ठीक है, तो प्रॉबर्टी को नोट कर लीजिए. यहाँ पर 40 के रेफरेंस में दे रखिए 0.1,
50 के रेफरेंस में 0.2, 60 के रेफरेंस में 0.3 और 70 के रेफरेंस में दे रखी है ये 0.3। दैट इज क्लियर। नाउ अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 की है परचेजिंग और 40 की डिमांड है, तो 5 रुपये का फायदा है, 4 पंजे 20, 200 रुपीज़ इसके पास आ जाएंगे नेट प्रॉफिट के फॉर्म में। 40 की परचेजिंग है, डिमांड 50 की है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब 200 की जो इसकी प्रॉफिट है वो मेंटेन रहेगा लास्ट तक, तो उसको मैंने मेंटेन कर दिया लास्ट तक क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और परचेजिंग कम है। अब 50 की है परचेजिंग और 40 की है डिमांड, तो 40 के हिसाब से 4 पंजे 20, 200 रुपये तो आ गए इसके पास, लेकिन जो 10 नहीं बिके, जो सेल नहीं हुए, उस पर 5 रुपये का नुकसान हुआ, 50 रुपये गए, 200 में से 50 गए, तो 150 रुपये का इसको नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ 50 की परचेजिंग है और 50 की ही इसकी डिमांड है, तो 5 × 25, 250 का इसको नेट प्रॉफिट हो जाएगा। 50 की डिमांड है, 50 की परचेजिंग है, 60 की डिमांड है, तो डिमांड अब ज़्यादा हो गई तो सेल तो हो जाएगी, इसका मतलब 250 रुपये पर, 250 पर इसकी जो प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हर केस में अब डिमांड क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगला केस लेके चलते हैं 60 वाला। 60 की परचेजिंग है, 40 की डिमांड है, तो इसका मतलब 40 पर इसको 200 रुपये मिल गए और जो 20 सेल नहीं हुए उस पर 100 रुपये चले गए, तो 100 रुपये चले गए, कितने बचे इसके पास, इसके पास तो 100 ही बचे नेट प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक है, अब 60 की इसकी परचेजिंग है और 50 की डिमांड है, तो 50 पर इसके पास आ गए 250 रुपये, लेकिन जो 10 सेल नहीं हुए उस पर 50 रुपये चले गए इसके, तो 250 माइनस 50 यानी कि यहाँ इसका प्रॉफिट आया 200 रुपये। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, 60 की ही परचेजिंग है और 60 की डिमांड है, तो इसका मतलब 6×5=30, 300 रुपये का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। 60 की परचेजिंग है और 70 की डिमांड है, अब डिमांड ज़्यादा हुई तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो 300 रुपये पर फिक्स हो जाएगा आगे सारी कंडीशंस के लिए। अब 70 की बात करते हैं, 70 की परचेजिंग है और 40 की डिमांड है, तो 4×5=20, 200 रुपये तो इसके पास आए, लेकिन जो 30 सेल नहीं हुए उस पर इसके 150 रुपये चले गए और 200 में से 150 चले जाएंगे, तो 50 रुपये का नेट प्रॉफिट रहेगा यहाँ पर इसको। ऐसे यहाँ बात करते हैं, 70 की परचेजिंग है, 50 की डिमांड है, तो मतलब 50 तो सेल हो गए, तो 250 रुपये आ गए इसके पास, और 250 के बाद 20 जो सेल नहीं हुए उस पर 100 रुपये चले गए इसके, तो 250 में से 100 गए, 150 का इसे नेट प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर 70 की परचेजिंग है, 60 की डिमांड है, तो 6×300 रुपये तो आ गए इसके पास, ठीक है, लेकिन जो इसके 10 सेल नहीं हुए उस पर 50 चले गए, तो 300 में से 50 गए, 250 रुपये इसके पास नेट प्रॉफिट के फॉर्म में आ गए। 70 की परचेजिंग है और 70 की डिमांड है, तो 7×5=35, 350 रुपये का नेट प्रॉफिट हो जाएगा इसे। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें, ठीक है। अब मैं निकालूंगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने कंडीशनल प्रॉफिट या कंडीशनल पे ऑफ वैल्यूज निकाली है उनको उनकी कंसर्न प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने पहले 40 स्ट्रेटजी के करस्पॉन्डिंग निकालता हूँ, 200×0.1 ये आएगा 20, 200×0.2 20 दुनी 40 40, 200×0.4 20 चौक 80, 200×0.3 60। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, 115×0.1 15, 215×0.2 दैट इज 50, 215×0.4 25 चौक 100 100। ठीक है, 0.3×250 25×75 75। नाउ कम टू द 60 स्ट्रेटजी, 100×0.1 10, 200×0.2 40, 300×0.4 120, 300×0.3 90, 90, 50×0.1 5, 115×0.2 30, 215×0.4 100, 25 चौक 100, 315×0.3 3×5=15, 5, 3×3=10, 105, 105, 3×5=5, 1, 3×3=10, बिल्कुल ठीक, 135 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है यहाँ पर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को, यानी कि EMV, एंड दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ PIJ × PI। तो जो हमने हर स्ट्रेटजी के रेफरेंस में
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की वैल्यू को डिटरमाइन किया है, इसका मैं निकालूंगा सम टोटल, और सम टोटल करने के बाद मेरे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इन रेफरेंस टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट होंगी, ऐड कर लीजिए सबको, इसको ऐड करें हम 420 60 और 80 140 और 60 200 0 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 यानी कि 5 और 5 10 का 0 1 और 1 2 और 5 7 और 7 14 का 4 1 और 1 2 240 0 1 और 4 5 और 2 7 और 9 16 6 1 और 1 2 260 5 और 5 10 0 1 3 और 1 4 और 1 और 1 2 5 और 5 10 0 1 3 और 1 4 और 1 और 1 2 240 आगे जा रहा वैल्यू हमारे पास, पहले आई 200, 50 के रेफरेंस में 240, 60 के रेफरेंस में 260 और 70 के रेफरेंस में 240। हाईएस्ट कौन सी है, 260 दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू सिंस द हाईएस्ट ईएमवी इज इक्वल टू 260। सो तो आंसर क्या जाएगा हमारा, 60 नंबर ऑफ आइटम्स पर वीक। ओके, सो द इंडस्ट्री शुड प्रोड्यूस कितने 60 आइटम्स पर वीक दिस विल बी द आंसर ऑफ द गिवन ईएमवी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।